लेकिन होम्योपैथिक दवा आपके शरीर पर अपना कुप्रभाव नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी बात है ये, वास्तव में जिसलिए अपना हिंदुस्तान और देश जाना जाता है, ये सबके लिए सर्वसुलभ दवाई है। इसमें आर्थिक लागत भी बहुत अधिक नहीं लगती। जरूरत है इसको प्रचार प्रसार करने की, इसी प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करने की। जो असाध्य रोग है, कैंसर जैसे जो घातक रोग है, जब उनको बड़े बड़े चिकित्सा केंद्रों से जवाब मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था उनको भी स्वस्थ करने के लिए, उनका जीवन लंबा करने के लिए कोई न कोई दवाई खोज करके निकाल करके उनको उम्मीद की किरण जिंदगी की देने का काम करती है। और एक बात और मैं मेरे मन में आई, मैं चर्चा कर रहा था, एलोपैथी में तो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि पूरे देश के जितने भी हमारे अस्पतालों में मरीज आएंगे, चाहे प्राइवेट में आए चाहे सरकारी में आए, हर मरीज का हम डाटा रखेंगे, हम सब कुछ उसको इंटरनेट पे डालेंगे। कहीं भी आप पैथोलॉजी से जांच कराओगे, जो दवा खाओगे, सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगा। और उसके लिए एक पासकोड आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तभी कोई उस आपके विवरण को देख पाएगा। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा व्यवस्था में जब से विधि ये शुरू हुई, हर चिकित्सक के पास मरीज का डाटा उपलब्ध है, वहां से लिखा हुआ। जैसे गया से हमारे दो चिकित्सक भाई हमें मिले जो गया से आए हैं। गया से कौन कौन आए?